हरियाणा का मेवात, ये वही मेवात है जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। अभी जिस लड़के ने जो चर्चित निकिता हत्याकांड हुआ था, जिस लड़के ने निकिता को गोली मारी थी, वो भी इसी इलाके का था, इसी इलाके के नूह का था। और वहीं के एक लड़के की अब मॉब लिंचिंग बताई जा रही है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये झगड़ा चल रहा था दो ग्रुपों का, दूसरे ग्रुप को एक लड़का अकेला मिल गया तो उन्होंने उसकी ज़्यादा पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन उसको मुसलमान होने की वजह से इसको हेट क्राइम बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जस्टिस मांग रहे हैं लोग, और सोशल मीडिया पर भी हेट क्राइम ही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आसिफ को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी मॉब लिंचिंग की गई। इस केस को कुछ लोग मॉब लिंचिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक गैंग वार की तरह से कि दो ग्रुप की लड़ाई चल रही थी, एक ग्रुप के हत्थे आसिफ चढ़ गया और उन्होंने आसिफ की ज़्यादा पिटाई कर दी, और ये पुरानी रंजिश का मामला है। अभी तक पुलिस ने खोला नहीं है ये मॉब लिंचिंग थी, धर्म की वजह से हेट क्राइम था, या आसिफ का जो ग्रुप था, या फिर आसिफ की उस ग्रुप में से किसी से लड़ाई चल रही थी क्या। ये तो जब ही क्लियर हो पाएगा जब पुलिस ओपन करेगी, लेकिन पुलिस ने 6 जो नामजद आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है, और अभी 2-3 बाकी हैं उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अब एक और मांग हो रही है सोशल मीडिया पर, जो लोग जस्टिस फॉर आसिफ मांग रहे हैं कि पकड़ लिया ये अच्छी बात है, पकड़ना तो था ही जब इतना बवाल हुआ। लेकिन बात तो तब है जब 302 का मुकदमा दर्ज हो, हत्या हुई है और हत्या में 302 का मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए। और अब इस मांग को लेकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, हैशटैग ये इस्तेमाल कर रहे हैं जस्टिस फॉर आसिफ, कि जो आसिफ के हत्यारे हैं, जिन लोगों ने गैंग में आके, झुंड में आके आसिफ पर हमला किया, एक 25 साल के लड़के को उसके परिवार से छीन लिया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो। जाहिर सी बात है 302 का मुकदमा दर्ज होगा, अगर सभी पर ना हुआ तो 2-3 पर तो जरूरी होगा क्योंकि हत्या हुई है। लेकिन देखने वाली बात होगी पुलिस इस बारे में कब तक चार्जशीट दाखिल करेगी और कब तक पता चलेगा कि उन पर कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।